अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अदनान खान। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज वॉक। तो गाइस, बहुत सारे रिव्यू कर दिए हैं यार इस वीक में। तो हमने और एक और मूवी मैंने देखी थी अभी पिछले बीच में, 4-5 दिन पहले, जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त और दमदार दिखी। तो गाइस, उस मूवी का आज रिव्यू कर लेते हैं। तो गाइस, उस मूवी का नाम है हसीन दिलरुबा। क्या हसीन दिलरुबा थी, तापसी पन्नू ने तो कमाल कर दिया इस मूवी में यार। तो गाइस, सभी कुछ बताएंगे आपको इस मूवी के बारे में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और साथ में दिए गए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। उससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो गाइज, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं हसीन दिलरुबा के बारे में। तो गाइज, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं इस मूवी के बारे में कि आपको अपना इंपॉर्टेंट टाइम इस मूवी को देना भी चाहिए या नहीं। तो गाइज, कहानी शुरू होती है विक्रांत से। विक्रांत अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। उनकी मुलाकात होती है उनके परिवार तापसी पन्नू के यहाँ, रिश्ता लेकर पहुँचते हैं और तापसी पन्नू इतनी हॉट दुल्हन होती हैं कि वो सीधे साधे विक्रांत भैया एकदम से फ्लैट हो जाते हैं उनके ऊपर और फौरन रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। हालाँकि उनकी माँ उस रिश्ते के लिए मना करती हैं कि बेटा बबलू मेरे नाम से, यार बबलू 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 भैया एकदम मुँह पर चढ़ गए हैं और उतर ही नहीं रहे हैं। तो विक्रांत जी जो हैं हमारे, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाते हैं तापसी पन्नू को देखने के बाद। यार हर बंदा यार इतनी ब्यूटीफुल दुल्हन देखने के बाद यार फ्लैट हो ही जाएगा, अब क्या करा जाए। तो लेकिन हालांकि उनकी माँ कहती है कि भाई तुझसे नहीं संभलेगी ये तेरे नाक में दम कर देगी, तू इस रिश्ते को मत कर, ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। लेकिन क्या करें, हमारे विक्रांत भैया तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से फ्लैट हो जाते हैं कि वो नहीं उठ पाते भैया, वो तो 7 फेरे लेके ही दम लेते हैं। तो गाइज, दोनों की शादी हो जाती है और उनके बीच में कुछ इतनी ज़्यादा हॉट दुल्हन मिलने के बाद, इतनी ज़्यादा हॉट बीवी मिलने के बाद हमारे विक्रांत भैया तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करा जाए। तो वो तापसी पन्नू को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें वो डरने लगते हैं कि मैं अब तापसी पन्नू यानी अपनी बीवी को कैसे हैंडल करूँ। तो गाइज, दोनों के बीच में जो उनका रिलेशन होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसके बाद फिर एक अननोन बंदे की एंट्री हो जाती है और तापसी पन्नू का अट्रैक्शन उनके साथ होने लगता है। तो गाइज, सभी कुछ जानने के लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और क्या आगे मूवी में होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी हसीन दिलरुबा, जो कि अपने नाम के हिसाब से मूवी भी बहुत ही ज़्यादा हसीन है। अब बात कर लेते हैं गाइज डायरेक्शन की। तो ब्यूटीफुल डायरेक्शन इस मूवी में दिया गया है। अगर आपने एक बार ये मूवी स्टार्ट कर दी तो फिनिश लाइन पार किए बिना आप नहीं हट पाएंगे। तो गाइज, बात कर लेते हैं अब सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो गाइज, तापसी पन्नू और विक्रांत ने अपना बेस्ट दिया है। तापसी पन्नू इतनी ब्यूटीफुल लगी है कि आप उनकी आंखों में खो जाएंगे और आप हर बार उन्हें ही देखना चाहेंगे। और विक्रांत की एक्टिंग बिल्कुल डिसेंट, शानदार उन्होंने एक्टिंग करी है। गाइज, बात करें अदर सपोर्टिंग कास्ट की, तो विक्रांत की फैमिली ने अच्छा रोल प्ले किया है और छोटे से रोल में नील भी बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। गाइज, बॉलीवुड की मूवी है तो बात कर लेते हैं सॉन्ग्स की। तो इस मूवी में ज़्यादा सॉन्ग तो है नहीं, लेकिन एक ही सॉन्ग आपको ज़्यादा सुनाई देता है, लकीरा, जो बहुत ही शानदार और बिल्कुल सिचुएशन पे सूट होता है। तो गाइज, फाइनली बात करते हैं कि हमारी क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में। तो गाइज, अगर आप IMDb पे जाके चेक करेंगे तो इसकी रेटिंग 6.5 प्लस की है और क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को पसंद किया है। गाइज, अगर बात करें मेरी कि मुझे ये मूवी कैसी लगी, तो गाइज ना तो मैंने इसके बारे में सर्च किया था ना इसका ट्रेलर देखा था, बस एक छोटा सा रिव्यू देखा यूट्यूब पे। उसके बाद जो मैंने मूवी स्टार्ट करी, क्या ज़बरदस्त मूवी थी भाई, कब स्टार्ट करी और कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं लगा। अगर गाइज आपको एंटरटेनमेंट और लव स्टोरीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए, आपको ये मूवी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अगर बात करें मेरी कि मैं इस मूवी को क्या रेटिंग देना चाहूँगा, तो गाइज मैं देना चाहूँगा 10 out of 7 star इस ब्यूटीफुल लव स्टोरी के लिए। गाइज, अगर आपने भी ये मूवी देख ली है तो बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा रिव्यू ज़रा भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।